गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम एंड रिया। तो अभी सवेरे के 6:30 हैं और बस रिया का टिफिन। तो यहाँ पर मैं रिया के टिफिन के लिए ना उत्पम बना रही थी, क्योंकि उसको भी थोड़ा चेंज लगेगा और ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगा हमारे सबके। तो अभी भी पसंद करता है, मेरे हस्बैंड को तो खैर चॉइस ही नहीं है, वो सब कुछ पसंद करते हैं। और हम लोग के लिए चाय बन रही थी साइड में। यहाँ मैं नारियल वाली चटनी बना रही थी रिया को उत्पम के संग टिफिन में देने के लिए, उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ रिया स्कूल जा चुकी थी और मेरे दिन के जो काम है ना वो चालू हो गए थे। Thank you.
तरह के चॉइस का राजमा बना रही थी, वो बोल के गई थी कि आज मम्मी राजमा बनाना, तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। राजमा बॉयल हो चुके थे और बस मसाले तैयार कर रही थी मैं। राजमा बन ही गए थे, बस उसको तड़का लगाना था तो लगा दिया था मैंने। बॉयल करके तो रखे हुए थे और एक साइड मैंने ना राइस चढ़ा दिए थे, क्योंकि राइस भींगे हुए रहते हैं तो एक सीटी में, एक विसल में ही वो बन जाते हैं। क्योंकि 1:30 हो रहे थे और बेटा भी जगह कह चुका था, मम्मी भूख लगी है, हस्बैंड भी आने वाले थे, तो बस फटाफट मैंने राइस चढ़ा दिए। लंच के बाद फिर मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और बस फिर मैं रिया को पढ़ाने बिठाई थी, थोड़ा बहुत उसका वर्क कराया। पता नहीं, एक घंटे में भी बच्चों का ज़्यादा काम तो हो नहीं पाता है। उसके सीटी आ रहे हैं तो वही बस प्रिपरेशन करवा रही थी, वर्ड्स वगैरह याद करवा रही थी। फिर मैंने अपनी चाय बनाई और बच्चों को दूध दिया। पूजा वगैरह करने के बाद में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ कपड़े निकलते हैं, रोज़ फोल्ड करना एक ढेर सा ही लगा रहता है, अगर नहीं करो तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए बना देती हूँ, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी तो सारा हाच पच मचा हुआ था, फैला के रखा था मैंने, क्योंकि ये सब बनाने में ना बहुत फैलता है, कभी कोई सामान लाओ कभी कोई सामान रखो, तो बस मैं केक बना रही थी।
बनाने के बाद इतना थक गई थी मैं ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे ना। तो मेरा बेटा आया और बोला, मम्मी भूख लगी है। तो मैंने कहा, केक तो बन ही रहा है ना, वो तो खाओगे आप, तो इसके बाद मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, पाव पड़े हुए हैं उसी को डिनर में कुछ यूज़ में ले लेंगे। तो बस हम लोगों ने पाव, मिसल पाव टाइप का बना के हरी चटनी के संग खाया और केक खाया बच्चों ने।